हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोमा। स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ खट्टी मीठी चटकारेदार गर्मियों की सबसे बेहतरीन कच्चे आम की हेल्दी टेस्टी चटपटी लौंजी। हमारे यहाँ इसे खटमिट्ठी भी बोलते हैं। कच्चे आम अभी मार्केट में मिल रहे हैं, तो इसमें आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए। इसे आप पूरी पराठा किसी के साथ भी खाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और साथ ही इसे आप 20 से 25 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल मेरी रसोई को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो ये सुपर टेस्टी हेल्दी चटपटी चटनी बनाने के लिए, यानी आम की लौंजी बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे 1 किलो कच्ची कैरी ले लिया है, यानी कच्चा आम ले लिया है। अब इसे अच्छी तरह से धो करके सुखा लें, या फिर इसे धो करके अच्छी तरह से पोंछ लें, जो भी डस्ट हो ऊपर का वो निकल जाए अच्छी तरह से। अब क्या करना है, इसके छिलके को निकाल देना है, यानी ऊपर का ये जो पॉइंट है और ये नीचे के पॉइंट को कट करने हैं और इसका छिलका निकाल लेना है। एक पिलर की हेल्प से मैंने इसके सारे छिलके निकालने हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये छिल चुका है। अब क्या करना है, इसको 2 भाग में कट करना है। आप नाइफ से इसे क्या करें, 2 भाग में कट करें, हल्के हाथ से कीजिएगा ताकि हाथ में कट्स ना है। इस तरह से काटने के बाद इसके जो सीड्स है, अंदर में जो बीज है, उसे निकाल देना है और इसे भी 2 भाग में काटना है, यानी एक आम में 4 टुकड़े करने हैं। पहले 2 टुकड़े करने हैं, फिर जो हाफ बचे उसके भी 2 टुकड़े कर देने हैं। तो इस तरह से आप काट लें अच्छी तरह से, और इसे अच्छे से काटने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ, इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए और इसका लौंजी बनाइए। आप इसका किसी भी शेप में काट सकते हैं, चाहे तो आप लंबाई में भी काट सकते हैं, इससे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसकी थिकनेस बस इतना रखना है, इतना ही मोटा काटना है हमें, ताकि जब भी हम बनाइए तो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, यानी थोड़ा सा मोटा काट। तो इसी तरह से करके सारा आम काट ले। अब हम लेंगे इसके लिए मसाला। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। जो भी मसाले हैं सारे साबुत लेने हैं, क्योंकि इसे हमें भून करके इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, 1 छोटी चम्मच मेथी, 1 छोटी चम्मच सौंफ ले लिया है मैंने, और 1 बड़ा चम्मच जीरा लेना है। आप यहाँ पे सूखी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी भून करके ही आप यूज़ करें। सौंफ डालने से ना इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब क्या करना है, इन सारे मसालों को हमें भून करके डालना है। जब भून करके डालेंगे ना, तो इससे लौंजी काफ़ी टेस्टी बनेगी। और मसाला भून करके डालने की वजह से ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। और लौंजी में तो पानी पड़ता ही नहीं है और मसाले भी सारे भुने हुए होते हैं, तो ये काफ़ी समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मसालों को भून लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें हम ये सारे मसाले जो होल स्पाइसेस है वो सारे डाल देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें, यानी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। ज़्यादा नहीं भूने, बस 1 से 2 मिनट के लिए, आपको खुद पता चल जाएगा। जब इन सारे मसालों का कलर चेंज हो जाएगा, बस उतना पे ही हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, ताकि मसाला पेंदी में ना चिपके, यानी एक तरफ से जले ना, क्योंकि क्या होता है, एक तरफ से ये सिक जाता है और दूसरी तरफ से नहीं सिक पाता, इसीलिए इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। ये लीजिए, मसाला भून चुका है, लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लगा है और मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब क्या करना है, इसे एक प्लेट में निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका हमें पाउडर बना लेना है। देखिए बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, यानी मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसे अब साइड में रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाए फिर इसका हमें पाउडर बना लेना है। तो चलिए अब हम लौंजी बनाना शुरू करते हैं। तो आम की लौंजी यानी खटमिठी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को अच्छे से करना है गर्म। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है, तेल को अच्छे से गर्म करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच जीरा। नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सौंफ, एकदम थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं डालें। इसके बाद डालना है लगभग 2 साबुत लाल मिर्च, आप 2 से 3 डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी तीखी थी
इसलिए मैंने दो का ही इस्तेमाल किया है। अब इन्हें करना है अच्छी तरह से भूनना है, यानी थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक इसे भूनना है। तो लीजिए भून चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें यह आम कटे हुए डाल देना है, यानी कच्चा जो मैंने कैरी काट करके रेडी किया था ना, बस उसे डाल देना है। और इसे इस तरह से चलाना, एकदम हल्के हाथ से चलाइएगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो इस तरह से हल्के हाथ से इसे चलाना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा नहीं भूलें, जब तक कि इसमें चित्ती ना पड़ने। लेकिन ये इसके जो ऊपर का जो परत होता है ना, उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश शेड आ जाता है, बिल्कुल इस तरह से। तो ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के लिए भूने। अब यहीं पे डाल देना है नमक, तो स्वाद अनुसार नमक डालें। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कम नमक का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी हम कोई खट्टी मीठी चीज़ बनाते हैं ना, जो चीनी वाले चीज़ होते हैं, उसमें नमक थोड़ा सा कम डलता है। इससे क्या होता है, जो भी रेसिपी बनाते हैं उसका स्वाद निखर के आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे आप स्वाद के अनुसार नहीं, यानी थोड़ा सा कम नमक डालें, ज़्यादा नहीं डालें, बस इसे मिला लें अच्छी तरह से और इसे 1 मिनट के लिए भून लें। तो ये देखिए भून चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ी सी ब्राउनिश कलर आ गया है उस पर। तो अब हम यहीं पे डाल देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है, यानी लगभग 200 ग्राम चीनी। आप अपने आम के खटाई के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आम आप खट्टा ले रहे हैं तो यहाँ पे 200 से 250 ग्राम तक चीनी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आम थोड़ा कम खट्टा है तो यहाँ पे आप चीनी का इस्तेमाल कम करें। तो ये आम थोड़ा सा कम खट्टा था, तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी डाला हुआ है। अगर आप ज़्यादा खट्टे आम ले रहे हैं तो 300 ग्राम तक चीनी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसमें जो ग्रेवी होता है थोड़ा सा, वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जो लॉन्ची होती है उसमें इसकी ग्रेवी ही बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए अब इन्हें करना है अच्छी तरह से मिक्स। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसे चीनी मेल्ट होने तक पकाना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से हल्के हाथ से चला दें और इसे ढक करके गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और बीच में हल्के हाथ से चलाते हुए इसे पकाना है लगभग चीनी मेल्ट होने तक, जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और हाँ, यहाँ पे लॉन्जी को बनाने के लिए आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए यहाँ पे मसाला भी मैंने पीस लिया है अच्छी तरह से, आप देख सकते एकदम पाउडर फॉर्म में रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से मसाला पीसना, थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर रहना चाहिए, एकदम हल्का, ज़्यादा नहीं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लॉन्ची में थोड़े से मसाले खड़े दिखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा यमी दिखता है। तो चलिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से जब हो जाए चीनी, अच्छी तरह से जब मेल्ट हो जाए, यानी ये पूरे अच्छे तरह से बबल्स आ रहे हैं, पूरे ग्रेवी जैसा दिख रहा है इसमें। अब इसमें जो ये आम के टुकड़े हैं ये पकेंगे तो इसकी खटास थोड़ी कम होगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब यहीं पे हम डाल देंगे ये भुने हुए मसाले का पाउडर। नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी खट्टी मीठी चटपटी फ्लेवर के लिए 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर तीखा ज़्यादा पसंद है आपको तो। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, जिससे ये कलर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब इन सबको करना है अच्छे से मिक्स, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसे 1 मिनट कुक करना है हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम नहीं करें, हाई फ्लेम पे इसे ढक करके 1 मिनट के लिए कुक कर लें, जिससे क्या है ना, आम में ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे और ये लॉन्जी परफेक्ट और टेस्टी बनेगा। तो ये लीजिए 1 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये परफेक्ट तैयार हो चुका है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है और ये मसाले भी अच्छी तरह से मिल गए हैं और ये टेस्टी सा लॉन्जी बन के रेडी है। इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी टेस्टी है, जब इसे ठंडा करेंगे ना तो ठंडा होने के बाद इसकी ग्रेवी थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो चलिए अब आम को हम चेक करते हैं, ये देखिए इस तरह से प्रेस करके देखेंगे, आम भी अच्छे से गल चुका है, यानी अच्छे से पक चुका है। ये देखिए कितना स्मूथ है, बस इतना पे ही गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जब ये ग्रेवी थोड़ी ठंडी होगी ना तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो ये लीजिए तैयार हो चुका है सुपर टेस्टी खट्टी मीठी आम की चटपटी लॉन्जी। इसे आप बनाएं और इसे 1 महीने तक, यानी 20 से 25 दिन तक फ्रिज में
स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इसे आप पूरी, पराठा, खासकर आलू के पराठे के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।